नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं स्टेट बुलेटिन की ओर। कैमरू जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्र से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कुछ युवकों द्वारा छात्रा को एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में छात्रा को सड़क पर छोड़ दिया। बेहोशी की हालत में छात्रा को देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अपने साथ लेकर इलाज के लिए PHC दुर्गावती में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बोकारो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैफिक DSP पूनम मिंज और थाना प्रभारी BS City गजेंद्र पांडे की अगुवाई में एक दरी मोड़ से 3 गांजा तस्करों को 32 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। तीनों गांजा तस्कर अलग अलग बैगों में गांजा भरकर रांची की बस से उकदीद मोड़ पर उतरे थे, जहां पुलिस पहले से तैयार बैठी थी। पुलिस ने तीनों नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद गांजा को ट्रेन के रास्ते उड़ीसा से रांची लाया गया था। हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के जनरल मैनेजर मनीष बंसल की कार को धनबाद से बोकारो लौटने के क्रम में अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में मनीष बंसल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार चला रहा ड्राइवर बाल बाल बच गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। घायल अवस्था में मनीष बंसल को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए कोलकाता अपोलो रेफर कर दिया। मनीष बंसल अपने कार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। इसी दौरान सामने से एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से उनका दोनों पैर, कंधा, हाथ और जबड़ा टूट गया। घटना की हल्ला थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 जाने वाली मुख्य सड़क भातुआ के पास हुआ। मनीष बंसल हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मालिक नरेश लोधा के भांजे हैं। झारखंड की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आदिवासियों की जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए जन आक्रोश रैली निकालेंगे। इसकी जानकारी JMM बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने दी। हीरालाल मांझी ने कहा कि पिछले दिनों गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा करने को लेकर सुनोत संस्थान समाज के सचिव सुरेश मुर्मू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और आदिवासियों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर आगामी 9 जून को एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की जमीन को कब्जा किया जाना इस राज्य और बोकारो जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नवी मुंबई के नेरूल के वंडर्स पार्क में हादसा हो गया। इस हादसे में झूले पर बैठे 5 लोग घायल हो गए। झूले के किनारे लगे लोहे के रॉड से टकराने से 5 लोगों को मामूली चोट आई है। पैर में चोट लगने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अंतरराज्य एकाधिक मादक पदार्थ की तस्करी सिंडिकेट को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये बता दें कि इंटर स्टेट मादक तस्करी मुंद्रा, थाने और महाराष्ट्र के कई जगहों पर की जा रही थी। मुंद्रा, थाने और महाराष्ट्र से 130 ग्राम मेफेड्रोन के साथ एक महिला को पकड़ा गया था। ये महिला NCB मुंबई द्वारा दर्ज किए गए कई ड्रग मामले में मुख्य संदिग्ध है। वहीं महिला की गिरफ्तारी ने मुंबई, थाने और आसपास के इलाकों में अवैध ड्रग सप्लाई सर्किट को प्रभावित करने वाले ड्रग्स पेडलर को भी ट्रैक किया है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ की याद में हर साल की तरह इस साल भी पंजाब में 1 जून से 6 जून तक गल्ला घूरा सप्ताह को आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पंजाब भर में अलग अलग स्थानों पर समागम करवाए जा रहे हैं। मोगा में पिछले 2 दिन मोगा और निहाल सिंहवाला में दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लिखे गए पाए गए थे। इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पंजाब में अमन शांति को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मोगा जिला पुलिस ने जिले भर पर फ्लैग मार्च का आयोजन किया। मोगा के SSP ने बताया कि जिले भर में करीब 850 पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों की तलाश की जा रही है। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को ये अमीन दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने में और घायलों की कुशलता स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। कल उड़ीसा प्रांत के बालेश्वर में एक भीषण और दर्दनाक रेल दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में इस रेल दुर्घटना में यात्रीगण, नागरिकगण आहत हुए हैं और गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के युवक सिद्धार्थ के अपहरण को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। ब्रजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चोरी, लूट, डकैती, तस्करी, चाकूबाजी जैसे अपराधों में तेजी आई है। साथ ही अब यहां पर अपहरण उद्योग भी पैर पसारने लगा है। इसका मतलब साफ है कि ये शांत छत्तीसगढ़ अब देश भर के अपराधियों की कर्म भूमि बनता जा रहा है। ब्रजमोहन ने कहा कि राजधानी रायपुर से पुलिस की नाक के नीचे से एक युवक का अपहरण करना और उसे 5 घंटे बाद राज्य के सीमावर्ती इलाके में जान से मारने की धमकी देकर छोड़ देना, ये बताता है कि अपराधियों में अब कानून का खौफ नहीं है। अपराधी खुलेआम डंके की चोट पर अपराध को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी रहती है। अब तो अन्य प्रदेशों के अपराधी भी छत्तीसगढ़ को अपनी शरण स्थली बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ की सरकार उन्हें संरक्षण दे देगी। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद के सहयोगी बमबाज गुड्डू मुस्लिम का भी लोकेशन छत्तीसगढ़ में ही मिला था। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अपहरण जैसे गंभीर अपराधों पर सरकार रोक लगाए नहीं तो जनता के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे। अब तो छत्तीसगढ़ में अभी तक चोरी, डकैती, लूटपाट, छीना झपटी, चाकूबाजी की घटनाएं तो आम हो गई थी। अब छत्तीसगढ़ में अपहरण का उद्योग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही रायपुर के नौजवान सिद्धार्थ का अपहरण हुआ। अपहरण करने वाले छत्तीसगढ़ के नहीं, बाहर के लोग थे। बाहर के अपराधियों को अब छत्तीसगढ़ अपना शरणगाह दिखाई दे रहा है। भाजपा के पुरखोती सम्मान यात्रा और जनसंपर्क अभियान को चुनौती अभियान बताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने निशाना साधा है। सुशील शुक्ला ने कहा कि भाजपा की आदिवासी पुरखोती सम्मान यात्रा और जनसंपर्क अभियान चुनावी अभियान है। ये कभी भी छत्तीसगढ़ के पुरखों का सम्मान नहीं कर सकते। 15 साल के रमन सरकार के दौरान भाजपा को बस दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद आते थे। उनके नाम से योजनाएं बनती थी, बिल्डिंग सड़कें बनती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के पुरखों की याद उनको नहीं आती थी। आज भाजपा को जब पता
पता चला कि प्रदेश का बहुसंख्यक आदिवासी वर्ग भाजपा से बेहद खफा और आक्रोशित है, तब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी से होने वाले नुकसान को देखते हुए भाजपा को छत्तीसगढ़ के पुरखों के सम्मान की याद आई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि भाजपा को प्रदेश की आदिवासी समाज को बताना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र आदिवासी रत्न, छत्तीसगढ़ के गौरव भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गेंद सिंह सहित अनेक महान बलिदानियों को सम्मान क्यों नहीं दिया, उनके लिए 15 साल में क्या किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ा है, कानूनी अधिकार मिला है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आदिवासियों के आस्था स्थल देवगुड़ी एवं युवा सांस्कृतिक केंद्र होटल का विकास हो रहा है। आदिवास पर्व सम्मान निधि दिया जा रहा है। आदिवासियों की सांस्कृतिक कला परंपरा तीज त्योहार को विश्व में अलग पहचान मिला। भारतीय जनता पार्टी का पुरखा के सुरता नामक कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं वो उनकी अवसरवादी का है। 15 साल तक तो आदिवासी समाज के पुरोधाओं को उन्होंने भुला दिया था, शहीद गुंडाधूर के नाम पे, शहीद भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे कोई कार्यक्रम नहीं किया। 32% आबादी है आदिवासी समाज की, बताए भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में उन्होंने किस योजना को आदिवासी समाज के शहीदों के या हमारे छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम पे उन्होंने बनाया, कौन सी सड़क बनाया, कौन से चौक चौराहे बनाया, कौन सी योजना बनाई। सारी की सारी योजनाओं को जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बनाया था, आज जब आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को तिरस्कृत कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी अपने शोषण का दोषी, भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज अपने शोषण का दोषी मानती है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पुरखा के सुरता कार्यक्रम करके आदिवासी समाज को भरमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाज इनके भरमाने में नहीं आने वाला। लोगों को भीड़ से उठाकर उनके मन की बात जानकर पर्चे पर लिखने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्रनाथ शास्त्री को सभी जानते हैं। कुछ इसी तरह अंबिकापुर पहुंचे श्री राम लला सरकार ने लोगों की मन की बात जानकर और जीवन में घट चुकी घटना और भविष्य की बातें पर्चे पर बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया है। दरअसल अंबिकापुर में रहने वाले रूपेश अग्रवाल के घर छोटी छावनी अयोध्या से पहुंचे श्री राम लला सरकार ने लोगों को उस वक्त अचंभित कर दिया जब भीड़ में बैठे लोगों को बुलाकर उनको उनके परिवारों के बारे में जानकारियां दी। इतना ही नहीं, लोगों के मन में चलने वाले सवालों और जीवन काल में घट चुकी घटनाएं और भविष्य में आने वाली विपदा और सफलता के बारे में भविष्यवाणी की। वहीं पर्चे के माध्यम से श्री राम लला सरकार ने मन में चलने वाली बातों को लिखकर सबको अचंभित कर दिया। श्री राम लला सरकार के द्वारा बनाए गए पर्चे पर लिखी सारी बातों को वहां मौजूद लोगों ने सत्य बताया है। घर परिवारों के सदस्यों के नाम के साथ ही पर्चे पर श्री राम लला सरकार के द्वारा लिखी गई सारी बातें सुन और देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पर्चे पर लिखित सारी बातें उनके जीवन पर सही साबित हुई। बिलासपुर के अपराधी ऋषभ पानीकर को कोतवाली पुलिस ने महाराष्ट्र के भंडारा से पकड़ने में सफलता हासिल की है। आज बिलासपुर पुलिस ने बता दी कि बदमाश ऋषभ पानीकर को पूरे शहर में जुलूस के शक्ल में घुमाया। कोतवाली उपनिरीक्षक राकेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटेलाल कश्यप ने आत्महत्या से पहले पत्र लिखकर जमीन का दबाव बनाना बताया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने विक्रम कश्यप, पूनम कश्यप और ऋषभ पानीकर को आरोपी बनाया था, जिसके बाद विक्रम कश्यप को हिरासत में लिया गया था। वहीं मामले में लंबे समय से ऋषभ फरार था, जिसे महाराष्ट्र के भंडारा से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उज्जैन नगर निगम द्वारा केडी गेट चौराहा से चौड़ीकरण को लेकर नारायणपुरा बता दें कि इमली तिरहा तक चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया।
कई मकान के मालिक खुद भी मकान तोड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश मकान को तोड़ने का काम नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदार के मजदूरों ने शुरू किया है। पूरे मार्ग का चौड़ीकरण 50 फीट का रहेगा। सभी वर्तमान में कहीं 12 फीट तो कहीं 15 फीट का मार्ग चौड़ा है। करीब 7 करोड़ से अधिक का चौड़ीकरण का टेंडर नगर निगम द्वारा निकाला गया है। अब पहली बार टेंडर में ऐसी शर्त रखी गई है कि ठेकेदार एजेंसी को ही तुड़ाई का काम भी करना है। केडी गेट से नायपुरा इमली तिराहे तक करीब 1.25 किलोमीटर लंबा मार्ग है और इस मार्ग में दोनों तरफ 480 मकान सूची में शामिल हैं, जिनकी तुड़ाई करना है, जो चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। विरोध के बाद महाकाल प्रबंध समिति को महाकाल अनक्षेत्र पुनः चालू करना पड़ा है। शनिवार से महाकाल अनक्षेत्र मंदिर प्रबंध समिति ने पुनः चालू कर दिया है। साथ ही रविवार से दीनदयाल अंत्योदय के तहत जो नगर निगम के 5 रेन बसेरा है उनमें भी भोजन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकाल अनक्षेत्र में प्रतिदिन 2000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है और ऐसे कई दान दाता है जो प्रतिदिन लाखों रुपए का दान महाकाल अनक्षेत्र में कर जाते हैं। हालांकि नया अनक्षेत्र हरी फाटक ब्रिज के सामने बड़े पार्किंग के पास निर्माणधीन है, लेकिन अभी 90% काम ही पूरा हुआ है, इसलिए अनक्षेत्र दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई आ रही है। फिर भी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति जगह की तलाश कर रही है ताकि अनक्षेत्र बंद न करना पड़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।